तो आइए बात करते हैं हमारी अगली डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जो कि है 26th of June 1986, 26 जून 1986। अगर हम ध्यान से देखें तो इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर सिर्फ तीन प्लैनेट्स ही, जिसे हम कहते हैं, मेजरली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक है सैटर्न, एक है मून और तीसरा है वीनस। अब जब प्लैनेट्स बहुत कम हो और डेट ऑफ बर्थ उसके आसपास ही घूमे, जिसके अंदर ज्यादा प्रेशर हो, तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फायदे की, कि किस तरह के फायदे इसमें हो सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ जो है 26 जून, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो वीनस, जब भी कोई नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते उसके इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, उसके इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस वीनस के अंदर इनके साथ जो प्रॉब्लम चलेगी, देखिए वीनस अगर पावरफुल हो तो आदमी के पास लग्जरीज, और बहुत अच्छी लग्जरीज होती हैं, बहुत अच्छा फूड होता है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है, हर चीज उसकी बहुत अच्छी होती है। मगर जब लग्जरीज डाउन बढ़ जाती हैं, वीनस बढ़ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि लग्जरीज डाउनग्रेड होनी शुरू हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनको लग्जरीज से रिलेटेड। हम ये भी कह सकते हैं कि लग्जरीज ज्यादातर ये अदर एक्सपेंसेस, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि लग्जरीज ऑन अदर एक्सपेंसेस, कुछ किसी और की लग्जरीज भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, देखिए पॉजिटिव बात इनकी ये रहेगी कि फूड बहुत, अगर ये खाने का काम करें तो फूड बहुत अच्छा, मतलब ये बना सकते हैं, फूड बहुत अच्छा खिलाने में माहिर होंगे ये। थोड़ी सी इनकी जो जबान होगी वो थोड़ी सी कड़वी होगी, कि अगर ये किसी को बात कुछ बोलेंगे, चाहे स्वीटली बोलेंगे क्योंकि इनके पास मून भी है, ये बोलेंगे स्वीटली, मगर बोलने के साथ बात के अंदर कुछ ऐसा कड़वाहट होगी कि जो सामने वाले को अंदर तक परेशान कर देगी। तो इनकी बात सामने वाले को चुभ बहुत जल्दी जाएगी। इनकी लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम रहेगी तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि फीमेल, अगर ये मेल है तो ऑपोजिट जेंडर, मतलब फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर ये फीमेल है तो मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑपोजिट जेंडर के साथ हमेशा इनका कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो इनका सैटर्न बहुत पॉजिटिव है। अब सैटर्न पॉजिटिव होने की वजह से, अगर सैटर्न पॉजिटिव हो तो आदमी की लाइफ में हार्ड वर्क होता है, मगर हार्ड वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है, हार्ड वर्क का एक लेवल चेंज हो जाता है। हार्ड वर्क तो करते हैं मगर लाइफ में हार्ड वर्क से ज्यादा ये स्मार्ट वर्क करते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन में इस साल थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई है इनकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स यही ऑपोजिट जेंडर को लेके भी हो सकती है, घर की कुछ चीजों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आई एम सॉरी टू से, मगर कुछ डाउनग्रेड भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही दिख रही हैं। और अगर हम बात करें, थोड़ी सी इमोशनल हर्टिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन है, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। एक्टर आप काफ़ी अच्छे हैं, आप एक्टिंग भी, स्किल्स भी आपकी काफ़ी अच्छी हैं, मगर साथ के साथ आपके इमोशंस बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इस साल थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं इमोशंस हर्ट होने के, तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए कि कोई भी इमोशनल अगर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप भी ले सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा संभल के रहेंगे या थोड़ी सी चीज़ों को मन पे कम लगाएंगे तो आप इस इमोशनल फैक्टर से बाहर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप भी हमारे श्री नेचर प्रोडिक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में उस डेट ऑफ बर्थ के साथ फ्री नेचर प्रेडिक्शन मेंशन कर दीजिए। हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको लिंक सेंड कर देंगे, ताकि आप उस नेचर के, उस डेट ऑफ बर्थ के नेचर के बारे में जान सके। तो आइए जानते हैं आज किस डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम बात करते हैं।